चाइना मतलब चाइना तो माल आता सी वह बंद कराया तो मतलब काफ़ी फर्क पाया माल उत्ते भी हूँ साडा थोड़ा माल सही हिसाब न बिकन लग गया। वरायटियाँ तो बहुत हैगी जी बहुत वरायटियाँ है बहुत वरायटियाँ हैगी है कलकत्ते तो माल आ जाता गुजरात तो आ जाता जी माल उस बहुत वरायटी हैगी माल की 10 रुपये दर्जन दीवे कह देंगे वो ला जा वो बहुत महंगे आ इतने जो मेहनत पहला मट्टी पेंदे आ फिर जाके गुनते हैं फिर उन्होंने बनाने फिर उन्होंने पकाने फिर जाके एक दीवे पिछे 1.5 रुपया मिलता मेहनत तो बहुत हैगी है जो लोगों को कह देंगे 20 रुपये दर्जन ला इन्ने महंगे दीवे हो गए इन्ना इन्ना चाइना के दीवे आए थे जो लोग हज़ार के महंगे से लोग भी खरीदी जाते पे से आ लोगों 20 रुपये दर्जन दीवे महंगे लगते हैं असी तो उदा ही है बस फिर बनाने फिर रंग करते हैं फिर गोटा लाने मतलब साड़ी तो मेहनत भी नहीं पल्ले पैंदी तो लोग कहते 20 रुपये महंगा जी। आम लोग है और महंगे महंगे कपड़े महंगा महंगा खाना तो खाने मंजूर है पर जो गल इन्हें छोटी छोटी चीज़ा दीवियाँ की आती है तो वो बार्गेनिंग करते हैं जिद मतलब कह लो कि मार्जिन भी घट हों घट भी कह लो कि ना तो बराबर होंगे भी बार्गेनिंग करते पर उत्थे कभी बार्गेनिंग नहीं करते जिथे ज़्यादा जरूरत होंगी है भाई देखो आ 20 रुपये करवा कहते भी 20 रुपये करवा ही महंगा साढ़े तो पल्ले ही नहीं कुछ पैंता देखो जी आ करवा 20 रुपये उपर ढक्कन भी रख के देना तो दीवा भी रख के देना उपर आ दे लो करवा जी। सो खरीदण वाले इन्हें गरीब लोगों नाल बार्गेनिंग करन तो पहले एक बार अपनी जमीर नूं टटोलो वड्डे वड्डे शोरूम दे विच आके आपां फिक्स रेट ते चीज़ खरीद लैने ठीक है उदों असीं बार्गेनिंग बारे नहीं सोचते फिर गरीब लोगों दी वाली आपां वधिया करिए बार्गेनिंग करन तो पहले थोड़ा तो सोचिए कि यह सही है या गलत। सत श्री अकाल सिटी होम न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का अदिति वालों स्वागत है। अज असी आए हैं दीवे बनाने वाले कारखाने के जिथे असी देख सकते हैं रंग बिरंगे दीवे बन रहे हैं तो आप गल करेंगे इतने के काम करने वाले मजदूरों कि यह दीवे बनाने कदों तो शुरू करते हैं तो अजकल दीवे कि वैरायटी आ रही है कि कलर्स आ रहे हैं तो गल करेंगे बनाने के तरीके बारे आओ आप सीधी गलबात उन्होंने करते हैं। दीवियां दे बिना तो दिवाली अधूरी मनी जाती है तो तुसी दीवे बनाने कदों तो स्टार्ट करते हो? सानू मतलब साडा दा सारी उम्र मिट्टी का काम ही हैगा जी। हाँ जी डैडी मतलब चक दा माल बनांदा है दिवाली दे 2 महीने काम करीदे आ दिवाली मतलब दीवे हरे लाल पीले गुलाबी रंगदे आ। हाँ जी ते ऐतकी जिला चाइना मतलब चाइना तो माल आंदा सी वह बंद कराया तो मतलब काफ़ी फर्क पाया माल उत्ते भी हुण साडा थोड़ा माल सही हिसाब नाल बिकन लग गया। वरायटियाँ तो बहुत हैगी जी बहुत वरायटियाँ है बहुत वरायटियाँ हैगी है कलकत्ते तो माल आ जाता गुजरात तो आ जाता जी माल उस बहुत वरायटी हैगी माल की फिर फैंसी माल है लक्ष्मी गणेश हो गए फैंसी दीवा हो गया बड़ी बड़ी मूर्तियाँ सारा कुछ बहुत आइटम है जी पर असी लैके नहीं आए आइटम वह क्योंकि गाहक इन्ना पैसा नहीं भरता जी गाहक सस्ती सस्ती चीज़ भालदा दीवे भी 10 रुपये दर्जन दीवे कह दें वह भी कहें 10 रुपये तो बहुत महंगे आ जी 10 रुपये दर्जन दीवे कह देंगे वो ला जा बहुत महंगे आ इतने जो मेहनत पहला मट्टी पेंदे आ फिर जाके गुनते हैं फिर उन्होंने बनाने फिर उन्होंने पकाने फिर जाके एक दीवे पिछे 1.5 रुपया मिलता दीवे बनाने टाइम कितना लगता है? मेहनत बहुत आ जी जिन्ना जिनी मेहनत हैगी उन्ना मतलब सारा परिवार लगता है पर इन्ना वो नहीं है वादा मतलब वादा नहीं होता भाई यार खर्चा पानी घर का चला जाता दिवाली से दो थोड़े बहुत पैसे जुड़ जाते हैं जी बस 4 दिन का होर काम है जी बस तो दिवाली तो बाद फिर मतलब दिवाली तो पहला पहला बंद कर देना फिर उस तो बाद डैडी चक की गोलका बना जी तो करके साडा परिवार चलता जी सारा तो ऐतकी दीवे का रेट चल की रहा ऐतकी दीवे का रेट 600 रुपये है 600 रुपये 1000। सो ये सुनील जी जिन्होंने सानू दीविया बारे दसिया कि किस तरीके ना किन्ने टाइम तो वह दीवे का काम कर रहे हैं दीवे बना रहे हैं तो कलरफुल दीविया का काम चल रहा है तो मार्केट के दीवे का की रेट चल रहा है वह भी इन्होंने दस दिता है तो दीविया के बिना तो रोशनी दिवाली की रोशनी कह लो फिक्की पै जाती है तो ये दीवे ने जो जिंदगी दे विच भी रोशनी लैके आते हैं तो दिवाली की भी रोशनी का कारण बनता है। सो आओ थोड़े ना असं बाकी लोगों रूबरू करवाने करते हैं दीवे बारे गल दिवाली बारे गल आज मेहनत तो बहुत हैगी है जो लोगों को कह देंगे 20 रुपये दर्जन ला इन्ने महंगे दीवे हो गए इन्ना इन्ना चाइना के दीवे आए थे जो लोग हज़ार के महंगे से लोग भी खरीदी जाते पे से आ लोगों 20 रुपये दर्जन दीवे महंगे लगते हैं। करवा चौथ वाला दिन करवा चौथ का त्यौहार भी एक सही त्यौहार है मतलब लेडीज़ है जो भी है ना
मेहंदी भी 1000 रुपए की लवाएंगे, 5-5 हज़ार का सूट पा लेनगियाँ, मतलब सारा कुछ कर लेंगे। जो करवा लैन आते उदो दसदा भी 20 रुपए 50 रुपए का जोड़ा जो लै तो बहुत महंगा जी, पता नहीं किन्ना महंगा हो गया 20 रुपए च। महंगा ही बहुत लगता जनानियों, मतलब 20 रुपए का, मतलब असी तो उदा ही है बस, इन बनाने फिर रंग करते हैं फिर गोटा लाने, मतलब साड़ी तो मेहनत भी नहीं पल्ले पैंदी, तो लोग कहते 20 रुपए महंगा जी। हम तुम दसो की करिए। इन्हों कहना है कि साढ़े जेडे आम जनता आप आम लोग है और महंगे महंगे कपड़े महंगा महंगा खाना तो खाने मंजूर है, पर जो गल इन छोटी छोटी चीज़ा दीवियां दी आती है तो वो बार्गेनिंग करते हैं, जिद मतलब कह लो कि मार्जिन भी घट हों, घट भी कह लो कि ना तो बराबर हों, भी बार्गेनिंग करते, पर उत्थे कभी बार्गेनिंग नहीं करते जिथे ज़्यादा जरूरत होंगी है। सो तुसी मैं लुधियाना वासियों रिक्वेस्ट करूँगी कि तुसी ऐतकी अगर दिवाली लिए शॉपिंग करन जाओ, जो भी किसी छोटी दुकान पर जाओ या दीवे खरीदन जाओ या दिवाली के रिगार्डिंग कोई भी समान लैन जाओ तो गरीब दुकानदार तो समान लैन वाले बार्गेनिंग करने तो पहले एक बार सोच लो कि थानू कित्थे बार्गेनिंग करनी चाहिए तो कित्थे नहीं। ये गरीब लोग ने अपना पेट पालन दे लई अपना पेट पालन दे लई ये दीवे बेच रहे ने, किसी अगे हाथ नहीं अड रहे, अपना पेट पालने दे खुददारी दे लई आपदी सैल्फ रिस्पैक्ट दे लई छोटे मोटे कमाई कर रहे ने, आपदा बिजनेस कर रहे ने, जिवें तुसीं आम वड्डे वड्डे कारोबार करते हो उवें ये भी करते ने। सो तुसीं बार्गेनिंग करन तो पहला इन्हां लोकां दे नाल एक बार सोचो, अपनी जमीर नूं टटोलो कि ये सही है या गलत। परिवार इन्होंने भी पालने हैं, दिवाली इन्होंने भी मनानी है, थोड़ी भी दिवाली इन्हों की भी दिवाली सब की दिवाली। आ देखो जी आ करवा हैगा, मतलब उन्हें मतलब बाजार से एडे बेचते हैं असं भाई, देखो आ 20 रुपए का करवा, वो कहते भी 20 रुपए का करवा ही महंगा, साढ़े तो पल्ले ही नहीं कुछ पैंता, देखो जी आ करवा 20 रुपए उपर ढक्कन भी रख के देना, ना दीवा भी रख के देना उपर, आ दे लो करवा जी। देख सो उन्होंने किन्नी मेहनत लगी होगी करवे, देखो पहले उन्हें मिट्टी नाल बनाना, फिर उन्हें पकाना सुकाना, ये उत्ते फिर रंग करना, आ तुसी देख सकते हो कि गोटा लाया होया, इन्हू कलर किया होया, हाँ जी अंदरों तुसी देख सकते हो, मतलब इन्हू बनाने दे विच एक अगर बनाना होवे तो कह लो बहुत टाइम लगता है। सो दर्जना दे विच जदों बनांदे होणगे तो तुसी सोचो किन्ना ज़्यादा टाइम किन्नी मेहनत, और एक यही करवे बनाउण दे विच पूरा परिवार पलदा पिया। सो खरीदण वाले इन्हें गरीब लोगों नाल बार्गेनिंग करन तो पहले एक बार अपनी जमीर नूं टटोलो कि आपां की कर रहे हैं। वड्डे वड्डे शोरूम दे विच जाके आपां फिक्स रेट ते चीज़ खरीद लैने आ, ठीक है, उदों असीं बार्गेनिंग बारे नहीं सोचते, फिर गरीब लोगों की दिवाली आपां वधिया करिए, बार्गेनिंग करन तो पहले थोड़ा जिहा सोचिए कि यह सही है या गलत। दिवाली इन्हां दी भी है, दिवाली तुहाडी भी है, सो इस बार सोचो कि दिवाली सब दी वधिया जावे और खुशहाल जावे। तो पीलो लाल गुराबी रंग लग रहा है, आप ये सुनहरी रंग से इस पे क्या कर रहे हो? ये गोल्डन कर रहा है। गोल्डन गोटा? हाँ। आप ये काम कब से कर रहे हो? अब तो घना दिन तक कर रहा है काम, 3-4 साल हो गए। अच्छा 3-4 साल तो तुसी ये काम करो, कित्थों दी हो तुसी? असी हरियाणा दे, हरियाणा की। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੀਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਜਾ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੰਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਬੜੇ ਰੋਜ਼ ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ।